गर्मियां आ गई हैं और ये अब आक या मदार का पौधा इस तरह के फूलों से खिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसमें दो तरह की प्रजाति होती है, एक ये नीले फूल वाला, एक सफ़ेद फूल वाला। तो चलिए आक के पौधे की बात कर लेते हैं। आक के पौधे में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और चोट को सही करने वाले गुण पाए जाते हैं। आक के पौधे के फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक आग का पौधा घर के मुख्य द्वार पर या उसके सामने लगाना शुभ माना जाता है हिंदू धर्मों में। तो चलिए आज इसके उपयोग और फायदे की बात करते हैं। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और जानकारी और वीडियो पसंद आए तो इसे अपनों में ज़रूर शेयर करें। नॉलेज फॉर हेल्थ एंड हर्ब्स के लिए साजिद हसन हेल्थ चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। बी पेशेंस के साथ बने रहें, शुरू करते हैं। तो इसके इस दूध से बचना चाहिए। अगर ये आपकी आंखों में चला गया तो आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। ये काफ़ी तेज़, यानी कि इसको लोग आमतौर पे जहरीला कहा जाता है, जहरीला पौधा होता है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। तो आज आपको कुछ इसके उपयोग बता देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आग के पौधे का इस्तेमाल कुछ इस तरह कर सकते हैं आप। एलर्जी, खुजली या स्किन ड्राई होने पर जैसी समस्याओं के, आँख की जड़ों को जलाकर उसकी राख का इस्तेमाल सरसों के तेल में मिलाकर करें। आँखों के लिए आँख की सूखी छाल कूटकर इसमें 20 ग्राम गुलाब जल मिलाएं और इसे 5 मिनट के लिए रख दें। दाढ़ में हो रहे दर्द के लिए आप इन दूध, इसका जो दूध निकलता है उसको एक रुई के फूहे में भिगोकर घी में अच्छी तरह से मसल लें और इसे दाढ़ पर रख लें। दाढ़ का दर्द और सूजन में भी फ़र्क आएगा। इसके अलावा जिन लोगों को सांस की समस्या है उन लोगों को इसका इस्तेमाल इस तरह करें, या साथ में खांसी भी अगर हो तो। इसके लिए आक का पौधा रामबाण साबित होता है। इसके चूर्ण और राख का इस्तेमाल किया जाता है और आक के पौधे में एनालजेसिक गुण होते हैं, जिसका अर्थ है या दर्द को दूर करने में मदद कर सकता है। पौधे का उपयोग सर दर्द, दांत दर्द, अन्य प्रकार के दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। आग के पौधे में एंटीसेप्टिक और जीवन रोधी गुण भी पाए जाते हैं। आप इनके ये पत्ते देख रहे हैं और जोड़ों पर होने वाले दर्द के लिए, एक ये पत्ते का उल्टा भाग है, एक ये सीधा भाग है। तो इस सीधे भाग में आप सरसों का तेल लगाएं और बड़े पत्ते ले लें, एक पत्ता अगर छोटा हो तो दो ले लें, और इस पे सरसों का तेल लगाकर गर्म करके अपने घुटनों और जोड़ों पर बांध लें। रात भर ऐसा करें, दो दिन में ही आपके जोड़ों से सारा दर्द खींच लेगा, इतना आपको राहत देगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आग के पौधे के उपयोग और फ़ायदे की। अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। अब इजाज़त दें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।